जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विशहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर, या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर, 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विशहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर, और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना, जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ते हैं, दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगा, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा आपको लग मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में, या अपने घर पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण करकर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित, जया, विशहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिवजी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए, और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना करकर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा 15। केवल शिव की आराधना कर। एक महिला यहाँ बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं मिला। घर के लोगों ने विचार कर लिया, अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकता, संतान नहीं हो सकता, ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा है, औलाद का सुखी, 9 साल निकल गए औलाद नहीं हुई, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं, 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई, 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई, 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रज को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते, आप ही हैं,
बच्चा आया साथ में, ले आओ बेटा। मैं गीता साहब अश्विनी नगर रायपुर से आई हूँ, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 19 साल तक संतान का सुख नहीं, बस शादी के हो गए संतान नहीं। गुरुदेव तब आखिरी में जब सब कुछ समाप्त हो गया तब विचार करा कि कर क्या जाए, तो गुड़ियारी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनकर उसको गर्भ से लगाया, रज को मुख में ले लिया। आप कहते हो जहां कथा होती है वो कैलाश धाम होता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान होता है। गुड़ियारी की कथा को हुए केवल 10 दिन निकले थे और 10 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि जैसा दर्द हमेशा होता था वैसा ही हो रहा है। और बाबा की कृपा से जब हम जांच कराए तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ढेर चुका था। 19 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यहाँ जितने अमलेश्वर के भक्त बैठे हैं ना, और यहाँ जितने भक्त लोग कथा श्रवण करने आए, उनसे निवेदन करूंगा शिव महापुराण के पंडाल को हल्के में मत लेना। ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। और आज 27 तारीख से 2 जून तक पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए, और मंदिर को देख रेख करने के लिए। सागर खंडेलवाल जी, कैलाश पर्वत तुम्हें देखना, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण है। शादी में वही जाता है जिसके निमंत्रण पत्रिका आती है, और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। वो लोग गाना गाते हैं